तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि सबटाइटल सीसी क्या होता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है, उसका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और वो रैंकिंग में जो है हेल्प करता है कि नहीं करता है, और उसको हम सभी लोग कैसे करके यूट्यूब वीडियोज में लगा सकते हैं, सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सबटाइटल सीसी होता क्या है। सबटाइटल और सीसी का मतलब क्लोज्ड कैप्शन। और दोस्तों जो मैं चीज अपन बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को नीचे यहाँ पे टेक्स्ट में एक डिस्प्ले हो रहा होगा, उसी को दोस्तों सिंपली हम सभी लोग सबटाइटल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा वीडियो है हिंदी में, और जो अभी आपने देखा स्क्रीन पे, वो सब जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको सिंपली वो इंग्लिश में नीचे डिस्प्ले कर रहा है, उसी को दोस्तों हम सभी लोग सिंपली समझते हैं सबटाइटल सीसी। आप सभी लोग दोस्तों सबटाइटल सीसी को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये वीडियो है हिंदी में, मैं चाहूँ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने के लिए, तो मैं चाहूँ तो सबटाइटल सीसी इंग्लिश में भी लिख करके ये वीडियो के लिए पब्लिश कर सकता हूँ। वैसे ही करके दोस्तों आपका वीडियो चाहे जो भी लैंग्वेज में हो, आप किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटल सीसी लिख सकते हो, ताकि वो लैंग्वेज का भी जो आदमी जानते हैं वो भी आके आपका वीडियो को देख सके। तो दोस्तों अब हम सभी लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेज की, कि क्या एडवांटेज या फिर क्या फायदे हमको हो सकते हैं जब हम लोग अपना यूट्यूब वीडियो पे सबटाइटल लगाएंगे। इसका दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो यही है दोस्तों कि आपका जो वीडियो है दोस्तों उसका ऑडियंस रेंज बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने का चांस है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मेरा वीडियो है हिंदी में, तो जो लोगों को हिंदी समझ आता है सिर्फ वही लोग ये वीडियो को देख पाएंगे और मेरे वीडियो से नॉलेज ले पाएंगे। लेकिन अगर मैं अपना ये वीडियो में इंग्लिश में सबटाइटल्स भी नीचे लिख दूँ दोस्तों, तो जिस जो लोगों को भी दोस्तों हिंदी नहीं समझ आता है, अगर उन लोगों को इंग्लिश समझ आता है, तो उन लोग मेरा वीडियो को बहुत ईजिली देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिका में है और वो चाहता है मेरा वीडियो को देखने के लिए, तो दोस्तों मेरा वीडियो है हिंदी में, उसको हो सकता है कि हिंदी समझ ना आए, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहीं पर नीचे सबटाइटल्स इंग्लिश में डिस्प्ले कर दूं, तो दोस्तों वो जो बंदा है जो अमेरिका में है, वो चाहे तो मेरा वीडियो को देख सकता है, और इंग्लिश में जो सबटाइटल सीसी है दोस्तों, वो भी मैं जो जो बोलना चाहता हूं वो चीज समझ सकता है। तो सबसे पहला फायदा तो यही हो गया दोस्तों कि आपका जो ऑडियंस रेंज है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों YouTube पे दोस्तों अगर आप सब लोग सबटाइटल सीसी को अपलोड करते हो, तो आपका जो वीडियो है दोस्तों वो भी रैंकिंग होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। आप सभी लोग भी दोस्तों देखते होंगे कि जो वीडियो में सीसी रहता है दोस्तों, आप सभी लोग YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करते हो तो उसका नीचे दोस्तों छोटा में सीसी लिखा होता है, उसका मतलब दोस्तों उसमें सबटाइटल्स ऐड किया गया है। वो जो वीडियो है दोस्तों ज़्यादा रैंक होता है दोस्तों, और रैंकिंग होने का एक रीज़न भी ये है दोस्तों कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो तो YouTube को नहीं मालूम कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं सबटाइटल्स उसको लिखता हूँ दोस्तों तो YouTube को मालूम चल जाएगा दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं, कौन कौन चीज़ मैं बार बार उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ में दोस्तों बहुत ही जल्दी रैंक होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग सबटाइटल लिखते हो तो YouTube को भी एक तरह से मालूम चलता है कि वीडियो में कौन कौन से कीवर्ड रैंक किए, कीवर्ड यूज किए गए हैं, और अगर वो सब कीवर्ड आप सभी लोग अपना वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी नहीं रखते, फिर भी उस कीवर्ड पर आपका जो वीडियो है वो रैंक होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अगर अपना वीडियो को रैंक कराना है तो भी आप सभी लोग सबटाइटल सीसी यूज कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप सभी लोग सबटाइटल यूज करोगे तो आपका वीडियो रैंक हो ही जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल वीडियो है उसके मुकाबले आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रैंक होगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका ऑडियो क्वालिटी कुछ ख़राब है, आपका ऑडियो में बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है, या फिर आपका ऑडियो में जो भी प्रॉब्लम है, तो भी आप सभी लोग सबटाइटल्स यूज कर सकते हो, ताकि जो भी ऑडियंस आपका वीडियो देखने आए तो आपका ऑडियो ना भी सुने तो आपका वो टेक्स्ट भी पढ़ सकती है। और दोस्तों मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस होते हैं जिनका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होता है तो स्पीकर ही नहीं सुनाई देता है, या फिर बहुत सारे ऑडियंस ऐसे भी हैं जिन जो कि कभी कल आप भी देखते हो कहीं पे आप भीड़ भड़ाका में बैठे हो तो वहाँ पे आप सभी लोग साउंड नहीं चाहते हो, तो वैसे भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस है जो कि साउंड नहीं चाहते, तो वो लोग भी चाहें तो आप सभी लोगों का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब तो हो गए कुछ एडवांटेज और फायदे। अब दोस्तों हम सभी लोग बात करते हैं कि क्या उसके डिसएडवांटेज या फिर नुकसान हो सकते हैं जब हम सभी लोग सबटाइटल को ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसका तो कुछ खास डिसएडवांटेज तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि तो इससे तो बहुत सभी लोगों को दोस्तों फायदा ही होता है, लेकिन दोस्तों इसे यही डिसएडवांटेज है कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा दोस्तों इन्वेस्ट होगा, इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा, और दोस्तों ये सबटाइटल बनाना थोड़ा बोरिंग काम भी है, तो इसीलिए दोस्तों आपका जो टाइम है वो लग जाने वाला है। 5 मिनट का ये वीडियो में दोस्तों सबटाइटल लगाने में कभी कल आधा घंटा तक भी दोस्तों लग जाता है, तो वही है कि आपका टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो वही एक सिर्फ इसका डिसएडवांटेज
एडवांटेज है। अब दोस्तों हम सब बात कर लेते हैं कि कैसे करके हम सभी लोग सब टाइटल्स को अपना वीडियोज में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सब टाइटल आपको ऐड करना है तो इसका दो मेथड है। एक है दोस्तों, आप सभी लोग सब टाइटल फाइल क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। उसमें क्या करना है कि आप सभी लोग कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना वीडियो को ऐड करके वहीं से आप सभी लोग सब टाइटल्स क्रिएट कर लोगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग वीडियो होता है MP4 फॉर्मेट में, ऑडियो होता है MP3 फॉर्मेट में, वैसे आप सभी लोग जब सब टाइटल का फाइल बनाओगे तो वो .str या फिर .sub का कुछ दोस्तों उस फाइल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उस चीज को आप सभी लोग डायरेक्टली YouTube पे अपलोड कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि आपके लिए सब टाइटल्स बना सकता है, और उस ऐप को यूज करके आप सभी लोग भी अपना वीडियो के लिए सब टाइटल क्रिएट करके दोस्तों उसका जो फाइल है उसको आप सभी लोग अपना एंड्रॉयड फ़ोन में सेव करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। एक तो मेथड वो हो गया दोस्तों, और दूसरा जो मेथड है दोस्तों, खुद आप सभी लोग यूट्यूब स्टूडियो वेबसाइट पर जाकर दोस्तों वहाँ से आप सभी लोग सब टाइटल्स लिख सकते हो वीडियोज के लिए। तो दोस्तों दोनों चीज़ के बारे में हम सभी लोग इधर थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड दोस्तों ऑन कर देता हूँ ताकि आपको भी जो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे दिख जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी लोग अपना यूट्यूब स्टूडियो जो है वो हम सभी लोग सिंपली इधर से ओपन जो है कर लेना है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड जो है खुल के आ जाने वाला है। उसके बाद जो है दोस्तों हम सभी लोग यहाँ से जो नीचे सब टाइटल्स दिख रहा है वहाँ से भी हम सब जा सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करके हमारा जितना भी वीडियो है वो चीज़ को हम सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मेरा एक वीडियो है हाउ टू गेट 0.01 CPV ऑन गूगल एड्स, तो इसी पे दोस्तों मैं सब टाइटल्स आप सभी लोग को एक डेमो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल्स पर सिंपली क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे हम सभी लोग यहाँ पे सब टाइटल्स दिखता है दोस्तों, तो हम सभी लोग सिंपली सब टाइटल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम सब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो है लैंग्वेज दोस्तों हिंदी वीडियो लैंग्वेज, मेरा दोस्तों चैनल का ऑलरेडी लैंग्वेज सिलेक्टेड है हिंदी। अगर आपका नहीं सिलेक्ट होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे पहले लैंग्वेज मांगेगा। तो दोस्तों मेरा सभी वीडियो में दोस्तों हिंदी जो है सिलेक्टेड है। अब मान लीजिए मुझे दोस्तों यहाँ पे सब टाइटल्स ऐड करना है, तो दोस्तों आप सभी लोग को जो यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों सब टाइटल्स के नीचे, तो आप लोग ऐड पे क्लिक करके यहाँ से सब टाइटल को ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो या फिर फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड लैंग्वेज जो नीचे है दोस्तों उसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे लैंग्वेज आ गए, आप जो लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में सब टाइटल बना सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं सिंपली एक इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश में मान लीजिए सब टाइटल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश आ चुका है। अगर मान लीजिए आप लोग इंग्लिश वाले ऑडियंस को कुछ दूसरा टाइटल दिखाना चाहते हो तो यहाँ से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी आप सभी लोग एडिट कर सकते हो। और दोस्तों हम सभी लोगों को मान लीजिए सिर्फ सब टाइटल ही चाहिए, तो हम सभी लोग सब टाइटल के नीचे जो है ऐड, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों अपलोड फाइल। अब जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि आप सभी लोग किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप से एक फाइल क्रिएट करके सब टाइटल का फाइल क्रिएट कर सकते हो, तो वैसे ही दोस्तों जब आप लोग फाइल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे आ करके आपको जो फाइल है वो अपलोड करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑटो साइंस करके दोस्तों YSYNC जो भी हो ऑटो सिंक करके है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को अगर टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छा है दोस्तों तो आप सभी लोग इस पर क्लिक करके आपका वीडियो प्ले होगा, और वहाँ पे आप सभी लोग लिख सकते हो किस टाइम पे क्या चीज़ डिस्प्ले होना चाहिए। एक तो हो गया दोस्तों वो, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पे टाइप मैनुअली पे क्लिक करके दोस्तों हम सभी लोग यहाँ से भी अपना सब टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग टाइप मैनुअली पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे है दोस्तों 129, ये जो बीच में है दोस्तों ये है दोस्तों सेकेंड। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो हेलो कब तक डिस्प्ले होगा, 0 सेकंड से लेकर के 1.29 सेकंड तक। जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाया था दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा दोस्तों कैसे कि हमारा जो है दोस्तों 1 सेकंड तक दोस्तों हमारा उधर हेलो डिस्प्ले हो रहा था दोस्तों। तो वैसे ही करके दोस्तों आप सभी लोग लाइन बाय लाइन लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 1 सेकंड से 5 सेकंड तक आपने बोला है हेलो फ्रेंड्स, तो आप उधर डिस्प्ले कर सकते, यानी कि जो जो चीज़ आप जिस सेकंड के अंदर आपने जो जो चीज़ बोला है उस चीज़ को आप सभी लोग इधर से ऐड कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से करने के बाद दोस्तों आप सभी लोग पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो सब टाइटल है वो पब्लिश हो जाएगा, या फिर आप सभी लोग इधर सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए अभी आपने आधा एडिट किया, आधा आपको बाद में एडिट, तो आप सभी लोग सेव ड्राफ्ट करके सेव कर सकते हो, बाद में इधर से एडिट कर सकते हो।
तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपना वीडियोज में सबटाइटल सीसी को दोस्तों ऐड कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कैसे करके आप सभी लोग सबटाइटल सीसी को क्रिएट कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें बता दूंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन से भी आप सभी लोग कैसे बहुत ही ईजिली सबटाइटल को अपलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।